दोस्तों नमस्कार। आज आप लोगों के बहुत ही ज्यादा मांग पर आज हम लेकर के आ गए हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक शॉप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक दुकान खोलना चाहते हैं, कैसे खोल सकते हैं, क्या क्या आपको इसमें लाइसेंस लगता है, कैसे आपको कहां से सामान लेना है, सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आज हमारे साथ हैं सत्यम सर, जो इस फील्ड में बहुत ही महारत हासिल कर चुके हैं, यही सब कुछ बताने वाले हैं आपको। तो सर नमस्कार। नमस्कार, मैं सत्यम कीर्ति, सीरियल एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच एंड ऑथर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं पिछले 10 साल से बिजनेस के फील्ड में हूँ। मैंने सैकड़ों लोगों को बिजनेस कंसल्टेशन दिया, और जो हमारी कंपनी है myprojectreport.com, इसके थ्रू हम लोगों को न सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, बल्कि उनका बिजनेस सेटअप करने में भी हम हेल्प करते हैं। तो सर आज हमारे व्यूअर को आपको बताना है, अगर इलेक्ट्रिक शॉप के, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो इलेक्ट्रिक शॉप वाली ज्यादातर ऑडियंस है, तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर ये इलेक्ट्रिक शॉप खोलने जाते हैं तो इनको ये जानकारी नहीं है सर कि लाइसेंस कहाँ से बनवाएं, सामान अगर लेना है तो सामान कहाँ से ले, अगर दुकान हमें खोला है तो कौन से लोकेशन पे खोले, ये सब कुछ जानकारी नहीं है सर। जिसके वजह से क्या है कि इलेक्ट्रिक दुकान तो खोलते हैं लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाते हैं, बीच में ही बंद करके और इनका जो पैसा है वो बर्बाद हो जाता है। तो सबसे पहला सर हम यही क्वेश्चन आपसे करना चाहते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहता है तो उसको सबसे पहला आप सजेशन क्या देना चाहेंगे? सबसे पहला काम आपको ये है जी कि आप चेक करिए लोकेशन जी। अगर आपका अच्छा लोकेशन रहा जी तो आपका बिजनेस चलेगा। अगर आपका ढंग का लोकेशन नहीं है तो पब्लिक आएगी ही नहीं, तो बिजनेस आपका फ्लॉप हो जाएगा। तो लोकेशन किसी भी टाइप का, अगर दुकान टाइप का आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। तो सबसे पहला नंबर जो काम है वो आपको लोकेशन देखना चाहिए। तो सर किस टाइप का लोकेशन देखना चाहिए? देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक शॉप का बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं तो आप हमेशा लोकेशन चुनने टाइप में ये चीज ध्यान दीजिए कि क्या वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है क्या जी। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शहर हैं, गांव में भी मैं आपको बात करूं, जहाँ पे घर बन रहे हैं, नए नए घर बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं, तो इस टाइप के लोकेशन पर क्लाइंट आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर इसी टाइप के क्लाइंट की नीड है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट हो गया, आप मार्केट भी ट्राई कर सकते हैं। मार्केट से बेहतर कोई लोकेशन नहीं होता है, लेकिन अगर आपको मार्केट में दुकान महंगा मिल रहा है तो आप देखिए जहां पर इस टाइप का कंस्ट्रक्शन का काम जोर शोर से चल रहा है तो उसके बीच में कहीं पे लोकेशन मिले तो वहां पर आप ओपन। लेकिन सर जैसे बहुत लोग क्या है कि गांव साइड से रहने वाले, जैसे गांव में बिलोंग करते हैं, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? गांव में भी अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको यही ध्यान देना है जी, या तो आप मेन मार्केट में ही ओपन कर लीजिए, क्योंकि गांव का मार्केट जनरली 2-3-4 गांवों का मार्केट होता है, तो वहां से आपका बिक्री अच्छा रहेगा। तो मार्केट में ही ओपन करना है, ये चीज ध्यान दीजिए। दूसरी बात क्या है कि जब भी आप दुकान लीजिए उसका देखिए कि फ्रंट कितना है, माने कि दुकान का जो आगे का जो पार्ट होता है वो थोड़ा चौड़ा होना चाहिए ताकि विजिबिलिटी बढ़े, मतलब दिखेगा, ज्यादा ज्यादा दिखेगा तब ना लोग आए जी जी। तो वो भी आपको देखना, वो ब्रांडिंग में काम करेगा, बोर्ड लग रहा है तो दिख रहा है कि नहीं, ये सब चीज देखना है। और अगर आपका दुकान ग्राउंड फ्लोर पे ओपन जी जी तो वो लोकेशन सबसे परफेक्ट रहेगा, क्योंकि जो एजेंट भी क्लाइंट है वो लोग आसानी से आ सकते हैं जी जी। तो सबसे पहले सर इसमें क्वेश्चन ये रहता है लोगों का कि सामान के लिए सर इसमें सामान क्या क्या लगता है, कौन कौन से आइटम रखने चाहिए रनिंग में, जो पहले ज्यादातर नीड है। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल का अगर आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो होता है वायर जी। वायर लगता है, होल्डर लगता है, बल्ब से रिलेटेड हो गया जी, आपका पीवीसी पाइप हो गया जी, है ना, इसके अलावा जो फैन से रिलेटेड फिटिंग एंड फिक्सचर्स हो गए, तो ये ओवरऑल यही सारी प्रोडक्ट की नीड होती है जी। ठीक है जी। तो इसके लिए सर सबसे पहले लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि सामान हम खरीदे कहाँ से, जैसे रेट हमको सही नहीं मिल पा रहा है, अपने लोकल मार्केट जाते हैं तो ऑलरेडी वो होलसेलर क्या करता है कि इतना ज्यादा उधार के पैसा, मतलब इतना ज्यादा रेट दे देता है, ऑलरेडी इतना उसको महंगा पड़ जाता है, वो क्या ले जाकर के अपने मार्केट में बेचेगा, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए आपको अच्छे होलसेलर को ही पकड़ना है, और अच्छा होलसेलर कहाँ मिलेगा जी? होलसेल का बिगेस्ट मार्केट जी, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है न्यू दिल्ली में जी, भागीरथ पैलेस करके एक जगह है जी, वहां पर अगर आप आएंगे तो वहां पर हर टाइप के इलेक्ट्रिक से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, औने पौने दाम में 2-3 रुपए में होल्डर वहां पे मिल जाता है, मतलब इस टाइप का वो जगह है जी। तो अगर आप लोकल टाइप का प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं जी, या जैसे जिसमें ब्रांड की जरूरत नहीं पड़ती है तो यहाँ से आप उठा जी। और सर जैसे जो ब्रांडेड है, जैसे मान लीजिए हैवेल्स हो गया, पॉलीकैप हो गया, आरआर हो गया, एंकर हो गया, जो इस तरह की जो कंपनियां हैं, जो लुमिनस हो गई, इस तरह की जो बड़ी कंपनियां हैं, तो इनके सामान खरीदने के लिए सर जैसे क्या है कि आप दिल्ली आते हैं चाहे जहां भी जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि रेट सही नहीं मिल पाता है, वो रेट ऑलरेडी आपके यहाँ मिल रहा है, इसके लिए आप क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको दुकान से लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप सीधा डिस्ट्रीब्यूटर से बात कीजिए।
अच्छा जी, जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है जी जी, वो तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से बेहतर और कौन दे सकता है, वहां पर आप निगोशिएट कीजिए और आपका डिस्ट्रीब्यूटर लोकल में ही मिल जाएगा, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिल जाएगा जी। तो आप उन डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकते हैं। अब आपका होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से, जी 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 सही बात है, डिस्ट्रीब्यूटर को हम कहे से समझे, तो उसके लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप जस्ट डायल एक वेबसाइट है, आप वहां पे सर्च कर सकते हैं कि हैवल्स डिस्ट्रीब्यूटर नियर मी, ऐसा करके आप सर्च करेंगे या जो भी आपका शहर है गांव है तो आपको बता देगा नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, वहां से आप जाके परचेज कर सकते हैं जी जी। तो मतलब इसमें ब्रांडेड आइटम के लिए लोकल से अपने डिस्ट्रीब्यूटर से लेना ही सही रहेगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है सर कि जैसे बहुत लोगों के पास क्या है कि पैसे की भी कमी होती है, जैसे पैसा बहुत कम रहता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो खोले कि अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाए और उनका पैसा का भी जुगाड़ हो जाए। देखिए, अगर आप गांव में ओपन कर रहे हैं जी, तो आपको ये भी देखना है कि वहां पे नीड कितना, पता चला गांव में दुकान ओपन करने के लिए जा रहे हैं 50 लाख पूंजी लगा दी जी, तो ये भी बेवकूफी है, और शहर में आप ओपन कर रहे हैं वहां 2 लाख में खोल रहे हैं, ये भी बेवकूफी। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस जगह भी आप ओपन कर रहे हैं उस जगह के डिमांड को आप फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं जी। तो अगर आप छोटे शहर में है, गाँव में है, तो मिनिमम पूंजी कम से कम 5 लाख रुपया आपको लगेगा जी, एक छोटा सा दुकान ओपन जी जी। और ये मैं देखिए प्रोडक्ट की बात बता रहा हूँ, अगर आप दुकान लेने के लिए जाएंगे तो हो सकता है पगड़ी लगता है, बहुत जगह पगड़ी लगता है, बहुत जगह सिक्योरिटी लगता है, तो वो खर्चा इसमें उतना इंक्लूडेड नहीं है, वो 1-2 लाख एक्स्ट्रा आप लेके चलिए जी। और इंटीरियर में फालतू खर्चा मत कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ 90% लोग यही गलती करते हैं, बेवजह का इंटीरियर में खर्चा, क्या जरूरत है आपको, कोई मॉल बनाना है क्या, बहुत ज्यादा इंटीरियर में खर्चा करना आप ही का नुकसान है, क्योंकि आप भाड़े का दुकान पे ओपन जी, सही बात है। तो इंटीरियर पे खर्चा करने से बचना जी। पेंटिंग है तो नॉर्मल आप कोई नॉर्मल पेंटिंग आप लगा लीजिए, 2-4 बल्ब इस तरीके से लगा के दिखे बढ़िया, उतना तक का कर देना जी, इंटीरियर में फालतू का खर्चा नहीं करना। तो सर पैसे की सबसे बड़ी बात है, बहुत लोगों के पास समस्या होता है कि पैसे की जुगाड़ नहीं हो पाता है, तो उनके लिए भी कोई क्या कोई ऐसा भारत सरकार का स्कीम है जिससे लोगों को पैसा मिल सके और बिजनेस में हेल्प हो सके? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि 90% लोग धंधा करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, बट उनके साथ जो मेजर प्रॉब्लम है वो है पैसा जी। और आज मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। भारत सरकार की एक स्कीम है, उसका नाम है मुद्रा स्कीम। मुद्रा स्कीम में सरकार इस काम के लिए ही छोड़ी है, किसी भी टाइप का अगर काम कर रहे हैं, आपका रेस्टोरेंट हो, कपड़े का दुकान हो, बिजली का दुकान हो, पंखे का दुकान हो, शोरूम ओपन कर रहे हो, आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो, कुछ भी एबीसीडी, सरकार आपको 20 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, 20 लाख रुपए जी। लेकिन लोगों को पता नहीं है, अनअवेयर होने की वजह से लोग लेते हैं जी। तो मुद्रा स्कीम में आप चाहें तो 20 लाख तक का लोन का फायदा उठाइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम मिलता है, ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है, अनसिक्योर्ड लोन है, बेसिक उसमें डॉक्यूमेंट इसमें लगता है जी। तो सर डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट लगता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसमें लगेगा आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन जी, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप पे आप बिजनेस करेंगे तो उद्यम रजिस्ट्रेशन मस्ट है जी। उद्यम रजिस्ट्रेशन के अलावा इसमें लगेगा अगर आप दुकान ओपन कर रहे हैं जी, तो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में आपका दुकान का रजिस्ट्रेशन भी करवाना है जी, ठीक है ना, क्योंकि उसको कुछ जगह पर ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं जी, महाराष्ट्र में उसको गुमास्ता बोलते हैं जी, तो ये लाइसेंस बेसिक होता है, ये लाइसेंस आपको। और सर क्या जीएसटी के बीच में जरूरत है अभी जैसे शुरुआत कर रहे हैं तो? देखिए, शुरुआत आप कर रहे हो या बाद में कर रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक के काम में, जीएसटी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट आप खरीद ही नहीं पाओगे, अगला तो जीएसटी पे बिल फाड़ के आपको देगा जी, जी, जी। और आप बिना जीएसटी के लेंगे तो आपको सामान महंगा पड़ जाएगा जी। अगर आप जीएसटी अनिवार्य है ले लेना चाहिए जी, जी। आप चाहे तो नहीं लीजिए, आपकी मर्जी है, बट अगर आप ले लेंगे तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं जी। और कुछ भी नहीं है, जीएसटी क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फाइलिंग के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम myprojectreport.com पे हो जाएगा, घर बैठे बैठे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है आपको जी। जो हमारी कंपनी है myprojectreport.com, ये पिछले 5 से 10 साल से हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं जी। और इंडिया लेवल पर ऑफिस है, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे लगभग 10 से 15 ऑफिसेस खुल चुके हैं जी, फ्रेंचाइजी ऑफिसेस, और धीरे धीरे अभी ओपन हो रहे हैं, तो आपके शहर में भी कहीं ना कहीं ओपन हो ही जाएगा आने वाले टाइम में, लेकिन नहीं भी हुआ है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारा काम ऑनलाइन होता है, कोई टेंशन नहीं है, कंपनी रजिस्टर्ड है, ISO सर्टिफाइड है, कंपनी ISO सर्टिफाइड है, MSME में रजिस्टर्ड है, और भारत सरकार की तरफ से ये रजिस्टर्ड कंपनी है प्रसाद बिजनेस सर्विसेज LLP में, जो कि बेसिकली एक रजिस्टर्ड कंपनी हो गया, तो यहाँ पर आपको किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कहीं से भी रहिए, डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात सर ये रहता है लोगों का कि अगर इलेक्ट्रिक का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसमें प्रॉफिट और मार्जिन क्या होता है? देखिए, अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं जी, तो वहां पर तो प्रॉफिट में एक लिमिटेशन जी,
लेकिन जो प्रोडक्ट आप लोकल से परचेज करके लोकल में ही बेचेंगे, जो मैंने आपको बता दिया कि जैसे पाइप जो होता है उसमें लोकल भी आता है ब्रांडेड भी आता है, तो लोकल वाले में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन का मतलब कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। आप लगभग 50% भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 30% भी कर सकते हैं, 100% भी कर सकते हैं, डिपेंड कर, यानी लोकल आइटम में जो है ज्यादा मुनाफा है, ब्रांडेड में थोड़ा कम होने वाला है, लेकिन ब्रांडेड आइटम बिकता ज्यादा है, परफेक्ट, ब्रांडेड आइटम बिकता ज्यादा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, जैसे मैं आप देखें कि आज आपको पूरा टोटल इलेक्ट्रिक बिजनेस के बारे में जानकारी दिया गया कि इलेक्ट्रिक दुकान आप कैसे खोल सकते हैं, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताया गया। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक बिजनेस स्टार्ट करना है और इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, तो सर की जो कंपनी है वो पूरा डॉक्यूमेंट्स में आपकी पूरा हेल्प करने वाली है, यानी पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको बना के देने वाली है। तो आपकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप निफिक्र होकर के इलेक्ट्रिक बिजनेस स्टार्ट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।